अब मैं इसकी अनबॉक्सिंग करने जा रही हूँ. 1, 2 and 3 आपके सामने. नाइस. हेलो गाइस, इट्स मी सोनी. वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल. और आज मैं लेके आ गई हूँ एक और अनबॉक्सिंग की वीडियो, जो कि होने वाली है मोजो बॉक्स की अनबॉक्सिंग वीडियो, मेरी वन ऑफ माय फेवरेट वीडियोस. तो मेरे को जो पहले वाला मोजो बॉक्स था वो इतना ज्यादा पसंद आ गया, मैं आपको क्या बताऊँ. तो रहन दो फिर. तो मैंने दूसरा वाला फिर से एक और मोजो बॉक्स ऑर्डर कर दिया. और मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को मैं दिखा दूँ कि इसमें भी कितने प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे सामान निकलेंगे. तो इसका प्राइस मैं आपको बताती हूँ, 567. तो इसका जो प्राइस है वो है 567 रुपीज़. और मैंने ही ऑर्डर किया है ओनली 139 रुपीज़ में. अगर आपको नहीं पता है कि आप इस मोजो बॉक्स को मेरी तरह कैसे अपने घर पर मंगवा सकते हैं, तो उसकी वीडियो मैं पहले ही अपने चैनल पर डाल चुकी हूँ कि कैसे आप उसको रजिस्टर कर सकते हैं इनकी वेबसाइट पर, और कैसे आप इस मोजो बॉक्स को अपने घर पर मंगवा सकते हैं. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ ज़रूर जाकर मेरे चैनल पर देखिए. तो इसका जो प्राइस है वो है 567 रुपीज़, और ये मुझे मिला है 139 रुपीज़ में. और उसमें मेरे को 10 रुपीज़ का मोजो बॉक्स कैशबैक भी मिल चुका है. तो मेरे को ये 129 का पड़ा, और इसमें 129 में 10 आइटम्स हैं वो इस मोजो बॉक्स के अंदर हैं. तो वो 10 आइटम्स कौन कौन से होते हैं, चलिए आइए इस मोजो बॉक्स को खोल कर देखते हैं. आइए दोस्तों इसका काम तमाम करते हैं. इससे नाइफ से करती हूँ मैं बहुत बुरी तरीके से. ओ नाइस, ऊपर तक भरा हुआ है हमारा मोजो बॉक्स, आप देख सकते हैं. अब मैं इसकी अनबॉक्सिंग करने जा रही हूँ. 1, 2 and 3 आपके सामने. चलिए एक एक करके मैं आपको सामान दिखाती हूँ. इसका हमारा फर्स्ट आइटम है फुचका. फुचका इसका नाम है, बाकी इसे हम गोलगप्पे भी कहते हैं अपनी लैंग्वेज में, गोलगप्पे या पानी पूरी. आप देख सकते हैं ये इसकी जो क्वांटिटी है वो है 200 ग्राम्स, और इसमें जो पीसेज हैं वो इन्होंने, इनका प्राइस देख सकते हैं आप, 99 रुपीज़ इसका प्राइस, 99 रुपीज़. तो ये है हमारा फर्स्ट आइटम. सेकेंड आइटम जो कि हमारे पहले वाले मोजो बॉक्स में भी निकली थी, ये नॉट जस्ट नट्स पीनट्स जो थी. तो इसका प्राइस, इसका जो क्वांटिटी है वो है 38 ग्राम्स, और इसका जो प्राइस है वो है 10 रुपीज़. तो आइए नेक्स्ट आइटम पर चलते हैं. नेक्स्ट हमारा एक पीनट बटर, डार्क चॉकलेट पीनट बटर है, और ये है पिंटोला का पीनट बटर. इसकी जो क्वांटिटी है वो है 100 ग्राम्स, और इसमें यहाँ पे इन लोगों ने लिख रखा है दिस प्रोडक्ट इज नॉट फॉर सेल. तो आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर अबाउट कि इसका प्राइस कितना होगा. साइड में रखते हैं और दूसरा आइटम पर चलते हैं. नेक्स्ट आइटम है हमारे पास अनिक का घी, और इसकी प्राइस है 20 रुपीज़, और इसका जो वॉल्यूम है नेट वॉल्यूम वो है 30 ml का. तो 30 ml वाला एक ये घी का पैक भी आया हमारे पास. इसे साइड करते हैं और अब चलते हैं दूसरे आइटम की ओर. नेक्स्ट है हमारे पास ये वाओ का एप्पल साइडर विनेगर, और जहाँ तक मुझे पता है एप्पल साइडर विनेगर को हम वार्म वाटर में यूज़ करते हैं ताकि जो हमारा वेट हो वो मेंटेन हो. इसको हनी के साथ भी लोग एज अ ड्रिंक यूज़ करते हैं. इसकी जो वॉल्यूम है वो 45 ml है, और इसका प्राइस भी इन लोगों ने लिखा हुआ है कि सैम्पल पैक है और नॉट फॉर सेल है. तो इसके प्राइस के बारे में मैं भी श्योर नहीं हूँ, बट फिर भी मैं इसको अबाउट 50 रुपीज़ का मानकर चलती हूँ, 50 to 100 रुपीज़ का इसको मैं मानकर चलती हूँ. तो अभी से रखते हैं साइड में और नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट आइटम की ओर. नेक्स्ट है हमारे पास ये फिल्टर कॉफ़ी, लिक्विड फॉर्म में है ये कॉफ़ी. इसका जो प्राइस है वो है 60 रुपीज़, और अगर मैं आपको फ़ायदे की बात बताऊं तो ये तो 60 का अकेला हो गया, और वो फुचका जो था वो 100 रुपीज़ का था. इसका मतलब ये है कि 160 तो मेरे इसी में हो गए, पर जो मेरे पैसे गए हैं वो है बस ओनली एंड ओनली 129 रुपीज़. तो कहीं ना कहीं मुझे, आप देख सकते हैं कि मेरे को कितना फ़ायदा हो रहा है इस मोजो बॉक्स को मंगाने. तो मैं ज़रूर आप लोगों से भी उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी इस मोजो बॉक्स को ज़रूर मंगवाएंगे अपने घर पर. हाँ जी, तो आते हैं इस पर वापस से. तो ये 5 कॉफ़ीज़ का पैक है, और तो ये कुछ इस फॉर्म में है कॉफ़ी शैशे. ये कुछ इस फॉर्म में आएगा. ये अकेला, ये एक अकेला है 20 ml का, और इसमें ये 5 का पैक है. इसमें 5 आए हैं ऐसे. तो मैं तो इसे डेफिनेटली यूज़ करने वाली हूँ क्योंकि मुझे कॉफ़ी बहुत पसंद है. अब इसको रखते हैं हम साइड में और चलते हैं अपने नेक्स्ट आइटम की ओर. नेक्स्ट आइटम जो हमारे पास है वो है ये कोहिनूर की सीजनिंग, और ये कोई नवरत्न ये मल्टी यूज़ सीजनिंग है. आप इसको किसी में भी यूज़ कर सकते हैं, किसी भी चीज़ में, चटनी में हो गया, या फिर बिरयानी में, या फिर पुलाव में, या फिर फ्राइड राइस में, किसी में भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं. इसकी जो क्वान्टिटी है वो 12 ग्राम्स है, और इसका जो प्राइस है वो है 20 रुपीज़. इसका प्राइस है 20 रुपीज़. तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, मैं तो डेफिनेटली इसे यूज़ करने वाली हूँ. अब इसे रखते हैं साइड में और चलते हैं नेक्स्ट आइटम की ओर.
आ गई मेरी फेवरेट चीज़, बिल्कुल फेवरेट वाली चीज़ें आ गई हैं, चॉकलेट्स, एंड आई लव चॉकलेट्स। तो ये कैडबरी डेरी मिल्क के कुछ अलग अलग फ्लेवर्स हैं जो आप लोगों ने, मैंने भी ट्राई नहीं करे हुए हैं, मेरे हिसाब से आप लोगों ने भी नहीं करे होंगे। अगर आप लोगों ने नहीं करे तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा कि आपने इसमें से कौन सी चॉकलेट है वो ट्राई करी हुई है और कौन सी नहीं करी हुई है। इसमें जो हमारे पास फर्स्ट चॉकलेट है वो है चिली ऑरेंज, और इसका जो क्वांटिटी है वो है 36 grams, और इसका जो MRP है वो आप देख सकते हैं 40 rupees का। अरे यार आ गया, आ गया। तो इसका जो MRP है वो है 40 rupees, और आपने इसमें जो एक रोस्टेड आमंड्स आती है, फ्रूट एंड नट आती है, वो आप लोगों ने ज़रूर खाई होगी। तो ये उसी में का ही है, मतलब उसी टाइप का पैक है, पर इसमें जो फ्लेवर है वो है चिली ऑरेंज का फ्लेवर। और इसी में मेरे पास दो चॉकलेट्स आई हैं, एक है चिली ऑरेंज और एक है गुलाब के खास। आई थिंक इसमें जो रोज़ पेटल्स वगैरह होंगे ना वो होंगे, और बादाम भी होंगे इसके अंदर, आलमंड्स भी होंगे। तो ये भी दो मेरे पास ये चॉकलेट्स आई हैं डेरी मिल्क की, 40-40, तो 80 का तो यही हो गया, 80 rupees का ये वाला सामान हो गया हमारा। चलिए आइए इसको रखते हैं साइड में, और हमारा जो लास्ट आइटम है वो देखते हैं। तो ये लास्ट जो हमारे पास लास्ट आइटम है वो है वाओ का इम्यूनिटी बूस्टर कैप्सूल्स। तो चलिए आइए देखते हैं ये कैसा निकलता है और इसके अंदर क्या सामान निकलता है। तो ये है वाओ की, यह है वाओ की तरफ से इम्यूनिटी बूस्टर कैप्सूल्स, और इसके जो क्वांटिटी है वो है 4 capsules आए हैं इसके अंदर। और इसमें लोगों ने लिखा हुआ है कि ये सैंपल है, नॉट फॉर सेल, तो ये बस सैम्पलिंग के लिए होगा, बाकी इसमें इन लोगों ने प्राइस मेंशन नहीं कर रखा। अगर आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं, नॉट फॉर सेल लिखा हुआ है यहाँ पे। तो और ये इसमें इन लोगों ने ये भी मेंशन करा हुआ है कि ये जो कैप्सूल्स हैं वो वेजिटेरियन है, तो अगर आप वेजिटेरियन है तो आप इस कैप्सूल्स को तब भी यूज़ कर सकते हैं अपनी इम्यूनिटी जो है वो बूस्ट करने के लिए। तो ये हमारा लास्ट आइटम था हमारे मोजो बॉक्स का। ग्रीटिंग आई है, एक तो कैडबरी की ग्रीटिंग है, एक तो ये हमारे पास, इसमें ये जो दो मेरे पास आए हैं वो मेंशन कर रखे हैं, और नेक्स्ट मोजो फैमिली की तरफ से आई है मेरे पास, ये रही। तो ये मैं इसे साइड में रख देती हूँ और इसे भी साइड में रख देती हूँ। तो ये है सारा सामान जो मोजो बॉक्स की तरफ से मुझे आया है, जो मैंने ऑर्डर किया है, ये देख सकते हैं आप, अगर आप देखना चाहें तो अब आप देख सकते हैं। ये सारा सामान ओनली एंड ओनली मुझे 129 rupees में मिला है गाइज, कैन यू बिलीव इट। हाँ जी, तो ये था सारा मोजो बॉक्स की तरफ से आया हुआ मेरे पास सामान जो मैंने ऑर्डर करके अपने घर पर मंगवाया है। और अगर आपको ये सामान सारा पसंद आया हो तो आप भी इसको ऑर्डर करके अपने घर पर मंगवा सकते हैं। और अगर आपको ना पता हो कि इसे कैसे ऑर्डर कर सकते हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर इसकी जो वीडियो है वो भी देख सकते हैं, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूंगी, आप वहां से भी इसको वीडियो को देख सकते हैं, और ये सामान जो है वो अपने घर पर ही मंगवा सकते हैं। कंपनी जो है मोजो बॉक्स जो है वो अलग अलग ऑफर्स देता रहता है अपने कस्टमर्स को, तो आपको क्या पता इससे भी ज़्यादा अच्छा सामान मिल जाए, इससे भी ज़्यादा वैल्यूएबल प्राइस में आपको सामान मिल जाए। बाकी अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे ये सारा सामान बहुत ज़्यादा पसंद आया है, और इसका जो प्राइस है वो इतना ज़्यादा इफेक्टिव है कि मेरा मन करता रहता है कि मैं ऑर्डर करती रहूँ मोजो बॉक्स, पर इतना ज़्यादा नहीं करते। ये मेरा सेकेंड मोजो बॉक्स था, और मैंने सोचा कि आप लोगों को भी मैं दिखा दूँ कि ये इस मोजो बॉक्स में क्या क्या सामान आया है, क्योंकि पहले वाले तो आप देख ही चुके होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा मेरी वीडियो को, और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी, और इसमें से आपको सबसे ज़्यादा सामान कौन सा पसंद आया है, या फिर आप अपने घर पे मंगवाना चाहते हैं, या फिर आप अपने घर पे मंगवा रहे हैं, तो मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के। तो अब मैं इस वीडियो को करने जा रही हूँ यहीं पर एंड, एंड आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आपको पता है क्या करने का है, लाइक शेयर कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का है। तो मिलती हूँ मैं आपसे अगली एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, इट्स मी सोनी सैफी, एंड दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।